नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूं, विधानसभा के आगामी चुनाव और चुनाव के दौरान किए जाने वाले विधायक की ओर से किए गए कामों का जायजा। लगभग विधानसभा क्षेत्रों में यह विधायक कितनी दफा अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हैं और क्या यह अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपने जनता ने चुने हुए जनता के वादों को पूरा करते हैं। आइए देखते हैं चिमूर विधानसभा क्षेत्र के। हम लोग इस वक्त चिमूर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ ये 74 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो है कीर्ति कुमार बंटी भांगड़िया करके है और लगभग हम अभी यहाँ उनके जो विकासात्मक कार्य है विधायक के वो जानने का हमने प्रयास किया हुआ है और इस गांव में हम अभी पहुँचे हैं। अब गांव वालों से हम चर्चा करते हैं कि ये गांव में उनके माध्यम से क्या क्या योजनाओं का लाभ इस गांव को मिल पाया है, क्योंकि कीर्ति कुमार बंटी भांगड़िया जो है ये लगभग पहली दफ़ा ही विधायक जीत कर आए हुए थे और ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट से उम्मीदवार थे, तो वह पिछले 2014 के चुनाव में यहाँ से चुनाव जीत कर वो पहुँचे थे विधानसभा में। तो विधानसभा में यहाँ के उनके चिमूर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकासात्मक कार्य किए उसका अब हम जायजा लेंगे, लोगों से हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है, गांव का क्या नाम है आपका? सुरबोड़ी। सुरबोड़ी गांव है ये। लगभग ये गांव की कितनी लोक संख्या है? 850 के करीब है। अच्छा, ये जो कीर्ति कुमार बंटी भांगड़िया है ये चिमूर विधानसभा क्षेत्र में आपका गाँव आता है, इस गाँव में वो कितनी दफा आपके आए हैं अब तक? दो बार आए, सिर्फ 5 सालों में 2 बार आए हैं। अच्छा, आपके गांव में कोई विकासात्मक कार्य उनके योजना वगैरह यानी उनके माध्यम से कोई सड़क निर्माण नाली निर्माण वगैरह कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आपके गांव में रोजगार हमी के काम कितने चले? नहीं, रोजगार हमी तो काम चालू ही नहीं इस वर्ष आपके गाँव में रोजगार। अच्छा, आपके यहाँ खेती से रोजगार वगैरह था इस बार? नहीं। अच्छा, लगभग यहाँ की सड़कों की हालत कैसी है आपके गांव? सड़कों की तो हालत बहुत ख़राब है और ये खेती की भी। अच्छा। बहुत बेकार है। ये जो नाला बनाए ना, ये नहर, हाँ। नहर के वजह से वो काम चालू, वहाँ पे पुलिया नहीं बनाई, ये जो रेलवे को पुलिया है, हाँ। और उधर ये नहर आड़वा चालू है तो वहाँ पे पुलिया नहीं बनाए उसने। अच्छा। तो इधर खेत वाले ये बहुत नुकसान हो गया। अच्छा, खेती का बहुत नुकसान हो चुका है नहर के काम की वजह से। अच्छा, ये जो आपकी गांव की जो समस्या है वो कभी आपने उनको बताई है? बताए मगर अभी तो ये 12 तारीख को आए थे वो। अच्छा, 12 तारीख को क्यों आए थे वो? क्यों आए थे कि ये अच्छा चुनाव के मद्देनजर ही वो आए थे, यानी आपके गाँव में अभी तक के वो सिर्फ 2 बार आए हैं। क्या नाम है आपका? यादव। यादव दुनिदार। अच्छा, आपने उन्हें देखा है बंटी भांगड़िया को? नहीं। अच्छा, तो आप उनको अभी जैसा कहीं आपके सामने आए तो आप तो पहचान भी नहीं पाएंगे? अभी पोस्टर देखते हो पहचान लेंगे। अच्छा, आपके गांव में उन्होंने कुछ विकास वगैरह किया है? नहीं, अभी तक मालूम नहीं है। अच्छा, सड़कें वगैरह बनी आपके गाँव में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ आपके गाँव में सुशिक्षित लोगों बेरोजगारों की कितनी संख्या होगी? बहुत है। अच्छा, मैंने रोजगार के साधन आपके गांव में आजू बाजू अगल में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह? नहीं है साधन वगैरह। क्या नाम है आपका? राजू कामड़ी। अच्छा, कामड़ी जी, बताइए यहाँ के जो विधायक है बंटी कुमार भांगड़िया, तो उन्होंने कोई आपके गांव का विकासात्मक कार्य किया है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, इस साल तो पूरा पानी भर गया था गाँव में। अच्छा, गाँव में पूरा पानी भर गया था, तो गांव में फसल वगैरह के कुछ भी यानी नुकसान वगैरह भरपाई मिली है? नुकसान भरपाई मिली नहीं अभी। अच्छा, लेकिन पूरे खेत पानी में थे। अच्छा, पूरा गांव पानी में था 4 दिन। अच्छा, 4 दिन आपका गांव पूरा पानी में था, बिल्कुल बाहर निकलना मुश्किल। अच्छा, आपका वो आपके हिसाब से यानी सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक है? वैसा तो बोल नहीं, आई नहीं तो क्या सक्रिय बताएंगे। अच्छा, वो आई नहीं आपके गाँव में, तो सक्रिय निष्क्रिय का कोई यही नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? दादाजी राउत। अच्छा, राहुल जी, बताइए बंटी भांगड़िया जी को पहचानते हैं आप? हाँ, पहचानता। अच्छा, तो वो आपके गांव में कितनी दफा आए? मेरे को एक बार भी नहीं दिखे, 2 बार दिखे थे जब से चुनाव हुआ 5 साल पहले, तब अच्छा, से 2 बार। अच्छा, चुनाव हुआ तब से 5 साल में आपने 2 बार उनको देखा है? हाँ, आपके इसमें। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि उन्होंने इस एरिया का विकास किया है? कोई विकास नहीं किया है। अच्छा, चिमूर विधानसभा क्षेत्र के कीर्ति कुमार भांगड़िया
यह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इनका जो क्षेत्र है चिमूर विधानसभा क्षेत्र, यह काफी विस्तृत और बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे विधानसभा क्षेत्र में क्या कहती है जनता, सोंदरी गांव में हम पहुंचे और उस गांव की जनता का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हम लोग इस वक्त चिमूर विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है सोंदरी करके गांव में पहुंचे हुए हैं। लगभग यहां के 74 नंबर की विधानसभा है चिमूर, जिसके विधायक जो है बंटी भांगड़िया करके, यहां के जो कीर्ति कुमार बंटी भांगड़िया है वो विधायक है। अब हम यहां के गांव वालों से जानने का प्रयास करेंगे कि उन के पिछले 5 सालों में यहां के जो कीर्ति कुमार बंटी भांगड़िया है, इन्होंने इस गाँव का विकास क्या क्या किया है, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए, क्या नाम है भैया आपका? ठोमरे जी बताइए, कीर्ति कुमार बंटी भांगड़िया इस गांव में कितनी दफा आए हैं? एक बार नहीं आए, 2 दिन हो गए आ गए। अच्छा, 2 दिन पहले आए हैं, शायद उद्घाटन करने के लिए आए। हाँ, उद्घाटन कोई काम का उद्घाटन था, काम का रोड का उद्घाटन करने के लिए आए। अच्छा, अभी आए च नहीं, उसके बाद आए नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, स्थानीय विकास निधि के तौर पर इस गाँव में क्या क्या विकास हुआ, नालियाँ वगैरह बनी है इस गाँव में? कुछ भी नहीं, इस गांव में कुछ नहीं बनी है। हमारा धान सड़ रहे चेक में। अच्छा। वो कुछ भी नहीं किया उसने। अच्छा, सर्वे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमारा धान सीतामढ़ी सड़ रहे है धान। अच्छा, धान आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है पूरी तरीके से। अच्छा, यहाँ रोजगार के कोई साधन उन्होंने कुछ कराए? कुछ नहीं किया। अच्छा, आप उनके तरफ कोई काम लेकर जाते तो काम हुए हैं आपके? नहीं, अभी तक कोई काम नहीं हुए है। अच्छा, तो यहाँ जैसा अगर स्वास्थ्य सेवा वगैरह कुछ है इस गाँव में? स्वास्थ्य सेवा कोई भी नहीं है हमारे बस्ती में, कुछ भी नहीं। यानी यहाँ से अस्पताल वगैरह आप कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल ब्रह्मपुरी जाना पड़ता है। ब्रह्मपुरी है हॉस्पिटल है, ये यहाँ भी कुछ भी नहीं आते। अच्छा, PSC है यहाँ? PSC है, पर एक भी आदमी रहते। अच्छा, नहीं PSC में कोई भी डॉक्टर या कोई कर्मचारी नहीं रहते हैं? कोई भी आता था नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जो कीर्ति कुमार बंटी भांगड़िया जो आपके क्षेत्र के विधायक है, वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक है? यानी उनके कामों से आप उनको सफल विधायक समझ रहे कि असफल? असफल है, असफल विधायक है। कुछ भी काम करे नहीं हमारे बस्ती में, कुछ भी काम का नहीं है आदमी। क्या नाम है आपका? अमोल ठोमरे। अमोल ठोमरे जी बताइए, आपको क्या लगता है रोजगार के कोई साधन उन्होंने मुहैया कराया आपके एरिया में? कुछ नहीं किया हमारे इधर। अच्छा, कुछ नहीं किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, वो अभी यानी इसके पहले जब वो 2014 के चुनाव में जब जीते थे, उसके बाद कितनी दफा आपके गांव में आए? हमारे गांव में 3 बार आए था, और हमारे गांव के स्कूल में नहीं क्या वो कार्यक्रम था, इसलिए वो स्वागत समारंभ था ना। हाँ, उसके लिए आए था। उसी के लिए आए थे। अच्छा, कभी आप उनके पास जाते कोई काम लेकर तो कुछ काम होते हैं उनसे? नहीं होते कोई काम, मैंने आते ही नहीं तो आपने उनको यही नहीं करते नहीं। अच्छा, इस इलाके का भी हमने एक पिछला एक गांव देखा है, ये एक्चुअली ब्रह्मपुरी से 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूर गाँव है। अब ये जो गाँव है ये तहसील में ब्रह्मपुरी में आते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र चिमूर है। यानी आपको कोई तहसील में काम करना है जा रहे हैं और तहसील में आपका कोई काम नहीं हो रहा, तो अगर आप वडट्टीवार जी की तरफ जाते हैं तो वो आपको अपने इलाके के लोग नहीं है बोलते हैं। तो उसके बाद वो आप बंटी भांगड़िया जी की तरफ जाते तो आपके काम हो पाते हैं क्या? नहीं हो, गए नहीं सर। अच्छा, उनके तरफ नहीं गए थे। अच्छा, क्या लगता है कि उनके माध्यम से इस इलाके का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास हमारे गांव का कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इस गांव में वो यानी वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय रहे? निष्क्रिय विधायक रहे। अच्छा, क्या नाम है आप लोगों का? ठोमरे जी बताइए, भांगड़िया जी ने इस इलाके का विकास किया है या नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, गांव में नालियां भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लाट है, प्लाट पे रास्ता है, उद्घाटन करने के लिए आए थे भांगड़िया साहब। अच्छा, लेकिन नालियां नहीं है मेन। हाँ। अच्छा, शिक्षा वगैरह कैसी आपके गांव में, यानी टीचर वगैरह रहते हैं? हाँ, टीचर वीचर रहते हैं, लेकिन टीचर भी कभी कभी नहीं आते। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा कैसी है आपके, अस्पताल वगैरह है ना? अच्छा ही है। नहीं तो यहाँ लोगों का इलाज होता है? यहाँ होता है, कभी कभी नर्स भी नहीं आती। अच्छा, वो भी नहीं रहते? हाँ, वो भी नहीं तो रहते टाइम। क्या लगता है कि ये जो बंटी भांगड़िया जो है वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक? निष्क्रिय विधायक। निष्क्रिय विधायक। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी बताइए, आप चिमूर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं जबकि आपकी तहसील है ब्रह्मपुरी, है ना? तो बंटी भांगड़िया जो विधायक है उनको आपने देखा है? हाँ, देखा है। कितनी दफा उनको आपने इस आपके इलाके में देखा आए हुए?
तीन चार बार देखा है हमने। तीन चार बार देखा आपने। अच्छा, वो सक्रिय विधायकों में आते कि निष्क्रिय विधायकों में आते? निष्क्रिय विधायकों में। निष्क्रिय विधायकों में आते। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुधीर ठोमरे। ठोमरे जी बताइए, सोंदरी गांव के रहने वाले आप। अच्छा, यहाँ के लोगों को रोजगार के क्या साधन, यानी जैसे रोजगार हमी वगैरह कुछ चली आपके गाँव? नहीं, अभी वो चली, वो दो चार दिन में वो बंद हो गई। अच्छा, किसानों को कोई मुआवजा वगैरह मिला है इस सरकार से? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। यहाँ कर्ज वगैरह माफी हुई है किसी आपके गांव में? कर्ज माफी हो गई। किसकी हुई है कर्ज माफी? अभी हो गई बड़े लोगों की, छोटे लोगों की तो हुई ही नहीं। अच्छा, अभी जो फसल वगैरह बर्बाद हुई है उसका कोई मुआवजा वगैरह या कोई सर्वे वगैरह हुआ है आपके गाँव? नहीं नहीं नहीं। वो तो भांगड़िया जी अभी आपके गाँव में आए थे उद्घाटन को, आपने उनसे चर्चा की इस संदर्भ में? नहीं नहीं, इस संदर्भ में चर्चा किया ही नहीं। अच्छा, रुके नहीं क्या? रुके नहीं, वो आए, वो कौन हो आपने, वो घर पड़े होंगे ना, उसके देखने के लिए आए, वो चले गए। अच्छा, रुका ही नहीं, वो रुके ही नहीं। तो आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र का विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो हमारा क्षेत्र चिमूर नहीं होने को होना, हमको ब्रह्मपुरी होने को होना। अच्छा, आपको चिमूर विधानसभा में नहीं रहना है, आपको ब्रह्मपुरी विधानसभा में? वो हमको जाने आने को ब्रह्मपुरी पसंद आती है। अच्छा, वो चिमूर जाने को तकलीफ हो जाती है। कितना दूर है यहाँ से चिमूर? वो बहुत लाम है, 70-80 किलोमीटर होंगे। 70-80 किलोमीटर आपका गांव दूर है वहाँ से? दूर है। अच्छा, जो बंटी भांगड़िया है वो विधायक आपको क्या लगे, सक्रिय लगे कि निष्क्रिय लगे उनके कार्यकाल देखकर? निष्क्रिय है, वो काम भी नहीं कर रहे, हमारे बस्ती के नाली नहीं किया, रोड नहीं किया, भूमि पूजन किया तो एक माल भी नहीं पड़ गए उसका। अच्छा, दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है हमारे इस प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं कीर्ति कुमार भांगड़िया जो चिमूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, इनका ही एक ब्रह्मपुरी तालुका का नवे गांव करके जो गांव है उस गांव की जनता का क्या है कहना। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। Vivo S1. It's my style. Vivo.